नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले में पिछले कुछ दिनों से सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इन सड़क हादसों का कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रोड के किनारे खड़े होने वाले वाहनों को भी माना जा सकता है। बात चाहे पिछले गुड़ में हुए हादसे की बात करें या फिर सुहागी में हुए हादसों की, लगभग हादसे में हर जगह रोड के किनारे खड़े वाहनों के कारण भी हादसों में वृद्धि हो रही है। और इसी के चलते रीवा पुलिस के द्वारा हाईवे के किनारे 20 फुट की दूरी पर खड़े वाहनों के ऊपर चालान की कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। और जिसके पीछे पुलिस का मानना है कि अगर ऐसा किया जाता है तो निश्चित तौर पर रोड के किनारे 20 फीट की दूरी पर कोई वाहन नहीं रहेगा, जिससे हादसों में व्यापक कमी आने की पूरी संभावना है। और इसी के चलते आला अधिकारियों के आदेश के बाद ये पेट्रोलिंग की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा की जाने वाली यह कार्रवाई कहीं ना कहीं गुड़ जैसे हादसों के बाद मिली एक सीख के तौर पर देखी जा रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस के आला अफसरों ने इस कार्रवाई के बारे में बताया कि उनके द्वारा पेट्रोलिंग के समय चालान काटने के साथ ही साथ वाहन चालकों को ऐसी समझाइश भी दी जा रही है कि वाहनों को रोड के किनारे ना खड़ा करके उन्हें थोड़ा सा दूर खड़ा करें, जिससे कोहरे, धुंध और ठंडी के मौसम में होने वाले अल्प दृष्टिता के परिणाम स्वरूप होने वाले हादसों में कमी आ सके। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आदेश प्राप्त हुए, मौसम खराब है, कोहरा है, तो कोहरे में जो गाड़ियां रोड पे खड़ी होती हैं, साइड में ना खड़ी होकर रोड पे खड़ी हो जाती हैं या फिर शहर के अंदर घुस आती हैं कोहरे का लाभ उठा करके, ऐसी गाड़ियों को पकड़ने के आदेश जो हैं हुए हैं। सुबह सुबह DSP ट्रैफिक सर का आदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है। दो टीम बनाई गई थी, दो टीम जो है दोनों के हाईवे को कवर कर रही हैं। किसी प्रकार की जो गाड़ियाँ जो रास्ते में खड़ी हो जाती हैं उनको पकड़ के लाना है, व्यवस्थित विधिवत चलानी कार्रवाई करने के बाद छोड़ना है ताकि एक्सीडेंट ना हो, यही कार्रवाई चल रही है। अभी तो दो गाड़ियां पकड़ी गई हैं, कुछ बस थी जिन बस को चालानी कार्रवाई करके छोड़ दिया गया है, जो बस भी गलत तरीके से खड़ी कर लिए थे। तो यही दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास है हमारा कि दुर्घटनाएं ना हो, व्यक्तियों की जान ना जाए, कोहरा बहुत है, गाड़ी इस तरीके से व्यक्ति ना खड़ी करे। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।